गुरुणां चरणानां मध्ये असारस्य संसारस्य का दशा तस्मिन् विषये एकं श्लोकं समर्पयामि। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगाकुला रागाग्रहवती वितर्ग विहगा धैर्यद्रुमा ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी तस्या पारगता विशोध मनसो नंदन्ति योगीश्वराः नंदन्ति योगीश्वराः। एतादृशाः मञ्चस्थाः पूज्यवर्याः आचार्यवर्याः परम पूज्यपाद गुरुवर्याः च तेभ्यः नमः। सर्वेषां कृते अहं मुहुर्मुहुः नमः स्तोमि। भवन्तः सर्वे अत्र आमन्दं आनन्दं विन्दानामहे। अनेन क्रमेण अहं निवेदयामि अस्माकं गुरुकुले ये अध्यापनं कुर्वन्ति गुरुचरणेषु श्रद्धया भक्त्या धैर्येण च अध्ययनमपि कुर्वन्ति तेषां स्वभावे साधुता सरलता सज्जनता दृश्यते। तेषां कृते एकः ब्रह्मचारिणः एकं श्लोकं रचितवान्। आचार्य धीराः खलु वेदमित्राः विज्ञानयुक्ताननुते पवित्राः अध्यापयन्तः सततं हि ग्रन्थान् सन्ति सदा ते पठनेऽनुरक्ताः सततं सन्ति ते पठनेऽनुरक्ताः। वे उड़ीसा प्रांत से हैं, वो हिंदी उनको कम आती है, परंतु मेरे निवेदन पर वो प्रथम आकर के यहाँ आह्वान कर रहे हैं। आपके कर्तव्य उनके बीच में आचार्य वेद मित्र जी को आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्र के लिए समाज के लिए जो सादर समर्पित है, गुरु चरणों में जिनका निवास है, ऐसे महापुरुष आचार्य वेद मित्र जी को आमंत्रित करता हूँ। पूज्य गुरुजी, संत वरेण्य मंचासीन आचार्य जी, उपस्थित अध्यात्म प्रेमी महानुभव माताओं बहनों, भाइयों ने बहनों ने आह्वान आह्वान खूब आह्वान कर दिया, फिर मैं क्या आह्वान करूं। गुरुजी आज पढ़ा रहे थे प्रकृति चरह आदेशा भवित, प्रकृति जसह आदेशा भवित। मैंने भी सोचा आहूत जनानाम अपि आह्वान विधेयम भवित इति चिंतयित्वा
अहम किंचित वक्तुम इच्छामि। मैं नवागंतुक भाई बहनों के लिए ही बोलूंगा, नवागंतुक महान प्रतिभाओं से युक्त दिव्य आत्माओं, आप सभी के मन में आकांक्षा है, अभिलाषा है, जिजीविषा है, विजिगिषा है कि आप महत को पाओगी, और इसी आकांक्षा के कारण ही पतंजलि योगपीठ से आप आहूत भी हो। यह आपका सौभाग्य है और आप भी पतंजलि योगपीठ के लिए एक महान सौभाग्य है। पतंजलि योगपीठ आपकी संपत्ति है और आप पतंजलि योगपीठ के मानव संसाधक के रूप से एक चेतन संपत्ति हो। आपका और पतंजलि योगपीठ का गंगा यमुना संगम एक महान तीर्थ बनाने वाला है, एक पुनः क्रांति होगी, एक क्रांति, ऐसे भी एक क्रांति धर्मा शांति वर्मा, युवा सैनिक समाजों के श्रेष्ठ वर्मा ने, स्वामी जी महाराज ने आपका आह्वान किया है। यह आपका सौभाग्य की बात है। जो विश्व धर्म यज्ञ के महान ब्रह्मा हैं, संतों के आशीर्वाद का परिणाम है ऊर्ध्वचेता विश्व विख्यात यशा ब्रह्म मना स्वामी जी महाराज आपको अपने घर में व्याकुल निमंत्रण कर रहे हैं। आदर स्नेह वात्सल्य होकर आह्वान कर रहे हैं आपको। कितना आदर, कितना स्नेह, कितना वात्सल्य, कितनी ममता, कितनी प्रीति आपके प्रति। बंधुवर, आप अपनी महान प्रतिभाओं को सामान्य परियोजना में काम करने के लिए नष्ट कर देते हैं, इसलिए आपको देखकर स्वामी जी महाराज ने एक अभिनव विश्व निर्माण, विश्व रचना की एक परियोजना लेकर के आए हैं, जिसमें संत जनों की स्वीकृति है, जिसमें राजनीतिज्ञ जनों की स्वीकृति है, जिसमें मातृशक्ति की स्वीकृति है, जिसमें बुद्धिजीवी जनों की स्वीकृति है, जिसमें शिक्षा शास्त्रियों की स्वीकृति है। ऐसी परियोजना स्वामी जी महाराज ने आपके लिए लाए हैं कि आप वहां आकर के काम करो, वहीं पढ़ो लिखो, महान बनो। ऐसी परियोजना में आपको शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और साधना का पोषण मिलेगा, यह निसंदिग्ध है। स्वामी जी के पास सब कुछ है, आस्तिकता, धार्मिकता, नैतिकता, विनम्रता, सरलता, मनोनियंत्रण, इंद्रिय संयम, क्या नहीं है स्वामी जी के पास। संतों के आशीर्वाद, क्या नहीं है स्वामी जी के पास। इन सभी गुणों से वह सुभूषित है। वह पारदर्शिता, दूरदर्शिता, कौशल, सभी इनकी संपत्ति है। इनके पास है धन वैभव्य, धन वैपुल्य, फिर भी इनके पास आप नहीं हो। सब कुछ होते हुए भी एक आपका अभाव खटक रही है, क्योंकि विश्व निर्माण में आपकी उपस्थिति जरूरी है, अति आवश्यक है, उपादेय है, अपरिहार्य है, अनिवार्य है, अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक सन्यासी श्रेष्ठ आपको आह्वान नहीं, एक निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहां पर आओ। इसको सुनना चाहिए, एक बार सोचना। पतंजलि योगपीठ स्वदेशी वस्तु आयुर्वेद शिक्षा मात्र का ही विकल्प नहीं,
एक प्रामाणिक वैज्ञानिक दार्शनिक तार्किक तात्विक सार्वभौम पंथ निरपेक्ष अध्यात्मवाद का भी वह विकल्प निर्भ्रांत सम्राट निर्भ्रांत समाजवाद निर्भ्रांत साम्यवाद और निर्भ्रांत राष्ट्रवाद की भी पतंजलि योगपीठ सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, इसीलिए भी आना है। और स्वामी जी और आचार्य श्री का पवित्र मिलन मूर्त रूप ही हम सभी के मानवीय संवेदना के मूल्यों के एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इस बात को समझ सको, इस बात को विश्वास कर सको, इसको गले उतार सको, इसीलिए महान आचार्य श्री बैठे हुए महाराज जी आचार्य श्री आपको अनवरत समझा रहे हैं, समझो, उठो, जागो। आपको समझा रहे हैं जो राष्ट्र के गर्व हैं, राष्ट्रोत्साह हैं, महामंडलेश्वरोत्साह हैं, जो अध्यात्म के शिखर हैं, पुरुष पुंगव हैं, पुरुष पुंगवाग्रगण्य हैं, पुरुष पुंगव हैं, पुरुष पुरुष पुंगवाग्र अग्रगण्य हैं, ऐसे दिव्य मूर्ति, शांत मूर्ति, जो आश्चर्य में भी अन्यतम आश्चर्य आचार्य आपको स्वामी जी महाराज के साथ जुड़ जाओ, आप एकत्रित हो जाओ, एक बहुत बड़ा काम होगा, विश्व निर्माण होगा। ब्रह्मा ने जो विश्व दे दिया था, ईश्वर ने जो विश्व निर्मित करके दिया था, मैं मानता हूं वह छोटा सा सामान्य विश्व दिया था। उसमें हमारे जैसे मूर्ख, बुद्धिहीन, विवेकहीन लोग थे। उन ब्रह्मा के द्वारा रचित बुद्धिहीन विवेकहीन सृष्टि को भी यही गुरु महाराज महान बनाना चाहते, दिव्य बनाना चाहते हैं। वो बना सकते थे ब्रह्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी शक्ति नहीं, इनके हाथ में छोड़ दिए हैं कि तुम भी कुछ बनाओ। सब मैं कुछ बना दूंगा तो क्या होगा, आपके लिए सारा काम छोड़ दिया। और ऐसी स्थिति में स्वामी जी महाराज भगवत कृपा से हमको मिले तो हमको सहायता करनी चाहिए आगे बढ़ करके। इस बात को आचार्य श्री आपको समझा रहे हैं कि जुड़ जाओ बेटे, जुड़ जाओ। आपको क्या मिलेगा पतंजलि योगपीठ से? एक गुरुजी मिलेंगे जो एकत्व के उपासक, प्रबल उद्घोषक, उसी एकत्व के उसका पोषक, विश्व बंधुत्व के ध्वनि, विभिन्नता में एकता, भेदों में अभेद का ध्वनि, नैतिक मूल्य के उत्थान का महान चरित्र, समरसता और अस्तित्वानुभूति, सहअस्तित्वानुभूति का उपक्रम एक ऐसे गुरुजी मिलेंगे जो अध्यात्म संविधान के अधिवक्ता हैं, जो अभियांत्रिकी तुल्य अध्यात्म कला से हृदय निर्माण करते हैं, ऐसा एक अभियंता है। ऐसे गुरुजी मिलेंगे जो हृदय निर्माण करने वाले हैं, जो हृदय को परिवर्तन करने वाले हैं, और जो हृदय नूतन हृदय रोपण करने वाले हैं, ऐसे एक गुरुजी आपको मिलेंगे। प्रातः उत्थान से लेकर रात्रि जागरण तक, शयन नहीं बताऊंगा मैं, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि जागरण तक, क्योंकि ऋषि नहीं सोते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि जागरण तक अनवरत निरवच्छिन्न रूप से अध्यापन में, अध्ययन में सतत संलग्न गुरुजी,
एक चेतन विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जो आपको स्वागत करने के लिए सन्नद्ध है, कटिबद्ध है, प्रेमासक्त है, अनुरक्त है। मेरा विश्वास है स्वामी जी होते तो मैं कहता, गुरु जी कहेंगे ऐसे बता देते हैं ये। मुझे विश्वास है 5 या 7 वर्ष में यदि गुरु जी की कृपा रही, अन्य सभी आचार्यों की, आचार्य विजयपाल प्रचेता महाभाग की या अन्य आचार्यों की, यदि इस प्रकार से सतत चलता रहे तो आगामी 7 या 8 वर्ष के अंदर या 5-7 वर्ष के अंदर आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि, जैसे आप संभवतः सब नहीं जानते हैं, आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि जैसे संत और वैयाकरण, आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक जैसे वैयाकरण का अवतार होगा यहां। स्वामी जी तो इससे भी बड़ी बात कहते हैं कि कपिल, कणाद, जैमिनी यहां पैदा होंगे, होंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। नवागंतुक बहनों को भी निवेदन करना चाहता हूं, कन्या गुरुकुल भी एक महान मंदिर है, जिस मंदिर के आचार्य बहन सविता जी के तप को, विद्या को, कौशल को, प्रतिभा को देखकर हम तो पहले से ही निष्प्रभ हो गए थे, निस्तेज हो गए थे, हतप्रभ हुए थे, अस्पर्ध हो गए थे और अस्प्रभ हो गए थे, आश्चर्यचकित और विस्मित होते रहे हैं। ऐसी प्रतिभा वह आपको पढ़ाएंगे, जिससे आप पढ़ करके शिक्षा संस्कार लेकर के अपने को दिव्य बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, अनुकरणीय बना सकते हैं, आदर्श बना कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, स्वाधीन हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, निर्भीक हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, निशंक हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं, निर्द्वंद हो सकते हैं। ऐसे एक महान देवी आपको मिली है, आप जरूर आना। गुरुजी मैं घर की एक बात बताता हूं, मेरी माँ कहती है बेटा आप हमें कुछ ना देना, कुछ नहीं चाहिए हमको, कभी कुछ नहीं चाहिए। मैं डरा देता हूं कभी कभी कि पतंजलि पीठ छोड़ करके चला जाऊंगा, ये सबसे डर उनको उनको है, इससे बड़ा डर और कुछ भी नहीं। इसीलिए वो मुझे कहती है कि पतंजलि पीठ मत छोड़ करके जाना, मुझे इलाज न देना, चिकित्सा न देना, धन नहीं देना, वैभव न देना, सम्मान न देना, कुछ भी नहीं न देना, किंतु पतंजलि पीठ छोड़ करके मत जाना। मैं कहता हूं क्यों, वो कहती है पतंजलि पीठ में आप सुरक्षित हो, इसलिए हम घर में आनंदित हैं। मेरे पिताजी भी फोन उठाते और कहते हैं हाँ वहाँ काफी सुरक्षा है, वहाँ रहना। किंतु बहनों भाइयों, पतंजलि में सुरक्षा है, पतंजलि में सुशिक्षा है, पतंजलि में सुदीक्षा है, पतंजलि में सुभिक्षा है, और पतंजलि में अपने दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए तनुकरणे दक्षा है। मेरा अधिकार नहीं, स्वामी जी से भी मैं कोई अनुमति नहीं मांगी, फिर भी एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहूंगा, पीछे जो बैठे हुए अपने परिवार के अपने जनों से एक करुण आवेदन। आपने स्वामी जी को धन दिया, बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया,
सब कुछ समर्पण कर दिया। मैं चाहता हूं वो जो बहने और भाई रखे हो उसको भी दे देना, यही मेरा विनम्र प्रार्थना है। इति ओम। अरे आपने क्या बोल दिया, अब उनके भाई बहन भी आप ले रहे हैं, बड़ी बात है। आपने क्या शब्द है आपके पास, शब्दों में एक गति, स्फूर्ति, सातत्य, एक प्रवाह मानता, एक एक शब्द में अद्भुत। मैं आपके आपके वाक वैभव, वाक वाग्मिता, वाक माधुर्य को प्रणाम करता हूं। और मुझे पता है कि आप उड़ीसा से, जगन्नाथ भगवान के यहां से, बलराम भगवान, सुभद्रा, तो ये सुभिक्षा, सुविचारणा और सुभिक्षा आदि है, ये ऑल बिकॉज ऑफ सुभद्रा, वहां उनकी भी कृपा अनुभव कर रहा हूं मैं। अद्भुत, ऐसे आचार्यों को पाकर हम अभिभूत हैं और इस देश का भविष्य सुरक्षित है आप जैसे आचार्यों के हाथों में। जोरदार करता धुनी पूज आचार्य श्री के लिए। वस्तुतः संस्कृत जिसने पढ़ ली, संस्कृत का ज्ञान जिसके अंदर आ गया, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके लिए अप्राप्य हो। तो ये श्रेय पूज्य गुरुजनों को जाता है, संस्कृत भाषा को जाता है, देव भाषा को जाता है। इसलिए इनके विषय में केवल इतना कहूंगा, विपदि धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। ऐसे महामना हमारे आचार्य वेद मित्र जी। और इसी क्रम में एक क्रांतकारी जो है ब्रह्मचारी को मैं आमंत्रित करूंगा। ब्रह्मचारी भरद्वाज जी जो MCA करके आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी को देश की संस्कृति की रक्षा के लिए पूज्य महाराज श्री के आह्वान पर उस नौकरी को तिलांजलि दे करके यहाँ आ गए और बहुत ही उदार मना है, साधुता है, पवित्रता है, निश्चलता है, सादगी है इनके जीवन में, सातत्य है, निजता में जीते हैं। ऐसे हमारे इनके लिए एक मैं पद्य बोलूंगा, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों पे फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपने जीवन को हम दे रहे हैं, केवल माँ भारती की आरती में केवल ये हमारा नमन है और जन्म जन्मांतरों की ये पुण्य कर्मों का फल है। तो इसी आपके करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी भरद्वाज जी को।